नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट में सचिन बोल रहा हूँ। फिर से एक बार आपका स्वागत है दोस्तों। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है सभी बैट्समैन के लिए। पिछले सारे वीडियोज़ में मैंने बता रखा है सिक्स हिटिंग, छक्के मारने के सारे तरीके मैंने बता दिए, जितने होते हैं सारे तरीके मैंने बता दिए। पर छक्के मारने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि लाइन और लेंथ को जज कैसे करना है। दोस्तों, लेदर बॉल और टेनिस बॉल में काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि लेदर बॉल में आपने ड्राइव्स मारनी पड़ती है, फ्लिक मारना पड़ता है, अलग अलग तरह के स्ट्रोक मारने पड़ते हैं, बिल्कुल डिफेंस करना पड़ता है सिचुएशन आने पे। डिफेंस इसमें भी करते हैं, ड्राइव इसमें भी मारते हैं, सब करते हैं, लेकिन बहुत 2% या 3% इसमें मोस्टली छक्के और चौके पड़ते हैं, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि टेनिस बॉल 10 ओवर 15 ओवर का खेला जाता है और इंटरटेनमेंट के लिए होता है, बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से छक्के पड़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होते हैं। तो वो छक्के मारने के लिए आपने चारों तरफ छक्के मारने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको लाइन लेंथ जज करना। अब लाइन लेंथ जज कैसे करनी है मैं आप लोगों को फटाफट बताऊँगा दोस्तों। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप टेनिस बॉल के लिए कोई क्रिकेट एकेडमी में नहीं जाते हैं, एकेडमी में क्या होता है कि आपको ये बताया जाता है कि सबसे पहले बताया जाएगा बॉलर जैसे बॉल छोड़ता है, अगर बॉलर बॉल यहाँ से छोड़ता है तो फुल लेंथ आती है, यहाँ से छोड़ता है तो गुड लेंथ आती है, और यहाँ आके छोड़ता है बिल्कुल नीचे आके छोड़ता है तो समझ लो बॉल को पटक रहा है, वो शॉर्ट बॉल देगा। बट इतना प्रैक्टिस आपका टेनिस बॉल से नहीं होता है, मुझे पता है। तो इसमें क्या है, आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता। आप लोगों ने क्या करना दोस्तों, किसी भी तरह, क्योंकि टेनिस बॉल में भी अभी बहुत अच्छा स्कोप हो गया है, बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट हो रहे हैं। अगर आपने एक बहुत अच्छा खिलाड़ी बनना है टेनिस बॉल में, टाइम पास के लिए खेल रहे हो तो वो एक कोई नॉर्मल बात है, बट टाइम पास करते करते एक बहुत अच्छे खिलाड़ी बन सकते हो आप, क्योंकि बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट चल रहे हैं इंडिया लेवल के। UAE में जाके इंडिया के मैच होते हैं पाकिस्तान से और बहुत देशों के साथ, टेनिस बॉल से देखना होगा, बड़े बड़े खिलाड़ी टेनिस बॉल के हैं, तो आप भी बहुत आसानी से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। बट आपने अपना बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा बैटिंग, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपने थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा। इस तरह से देखिए, मैंने एक घर में ऑनलाइन मंगा रखा है, नेट मंगा रखी है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, 3,000-4,000 में पूरी व्यवस्था आपकी हो जाएगी। उतने पैसे भी अगर आपके पास नहीं हैं तो आप घर में पुराने चादर होंगे, कहाँ कहाँ बहुत कुछ ढूंढने से सब कुछ मिल जाता है, चादरों का कैसे भी बांध बूंद के एक ऐसी जगह चुनिए जहाँ पर आपकी ज़्यादा बॉल बाहर न जाए। क्योंकि अगर आप ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ग्राउंड में बार बार बॉल लेके आना पड़ेगा, आप वो प्रैक्टिस कभी नहीं कर पाएंगे। उतनी बॉल, उतने छक्के मारने की प्रैक्टिस, उतना लाइन लेंथ जज करने का प्रैक्टिस आपको बड़े ग्राउंड में नहीं मिलेगा और ना ही आप उसको ला पाएंगे। एक छोटी सी जगह चुनिए, मैंने भी बहुत छोटी सी, बस घर के पीछे साइड में मैंने बनाया हुआ है ये अपने लड़के को प्रैक्टिस कराने के लिए, बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस होती है, पूरा रनअप भी हो जाता है, बॉलर के लिए भी हो जाता है, बैटिंग के लिए भी हो जाता है, दोनों चीज़ें आप कर सकते हो। इसके लिए आपने व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसके बाद जैसे आपकी ये व्यवस्था हो जाती है, उसके बाद आपने क्या करना है, मार्क्स करना है, फुल लेंथ का मार्क करना है, शॉर्ट लेंथ का मार्क करना है, गुड लेंथ का मार्क करना है, सभी मार्क करना है। तो ये जैसे जैसे मार्क करते हो अलग अलग टाइप से आपने प्रैक्टिस करनी है। आपको बैटिंग आती है, सब कुछ आता है, लेकिन क्या लाइन लेंथ सही से जज नहीं होती, इसके लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 1-2 महीने तक आपको ये करना पड़ेगा। पहले आप फुल लेंथ की बॉल करो, अपने फ्रेंड्स को बोलो लगातार फुल लेंथ में बॉल दे, और आप फुल लेंथ से लगातार तीनों तरफ, ऑफ में भी, मिडिल में भी, लेग में भी, तीनों साइड में लगातार कंटिन्यू छक्के मारने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको पीछे साइड ज़्यादा व्यवस्था नहीं भी होती है तो आगे साइड को जाली लगाओ, नेट लगाओ, आगे साइड में पर्दे लगाओ, ताकि आपकी बॉल ज़्यादा बाहर ना जा पाए। उसके बाद गुड लेंथ की बॉल में, गुड लेंथ की बॉल में क्या होता है, गुड लेंथ की बॉल में छक्का नहीं लगता बल्कि कैच उड़ जाता है, बट आप उसी को आप एक कदम आगे निकल के मारते तो वो छक्के पड़ते हैं उसके बाद, तो वो आप एक कदम आगे लेके प्रैक्टिस करो। उसके बाद फिर आप शॉर्ट लेंथ का करो, उसके बाद आप जो बाउंसर बॉल आती है सबसे पीछे से उसका करो, बाउंसर बॉल मैक्सिमम सिर में आती है, आप यहाँ से उसको हुक करते हो उस बॉल को, तो इस टाइप से आपसे आपने प्रैक्टिस करनी है, फुल लेंथ में इस टाइप से शॉर्ट मारने आपने। गुड लेंथ में इस टाइप से मारने हैं, तीनों दिशाओं में, और शॉर्ट लेंथ में इस तरह से पुल मारनी है।
और एकदम जो बाउंसर बॉल आती इसको आपने इस तरह से हुक करना है, और यही बॉल है अगर आपको ऑफ साइड में आती है, ऑफ साइड में इस तरह से कट मारना है, और ऊपर ज़्यादा जो सिर के ऊपर आती है ऑफ साइड में आती है तो इस तरह से सहवाग वाली अपर कट मारना है। ये आपका तभी संभव है जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे दोस्तों। ऐसी कोई मेडिसिन नहीं बनी है जो आपको रातों रात ये बता दे कि लाइन लेंथ कैसे जज करनी है। विदाउट प्रैक्टिस के कोई क्रिकेट अकेडमीज भी आपको नहीं सिखा सकती। हर बॉल पर अलग अलग टाइप से प्रैक्टिस करनी है। अगर 100-200 बॉल आप गुड लेंथ में खेल रहे हैं, 100-200 बॉल आप फुल लेंथ में खेल रहे हैं, 100-200 बॉल आप शॉर्ट में खेल रहे हैं, तो उसके बाद जब अलग अलग टाइप से बॉल खेल लोगे तो फिर बॉलर को बोलना है कि आप हर बार बदल के दे, कभी फुल में दे, कभी शॉर्ट में दे, कभी गुड में दे, कभी बाउंसर डाल। उसके बाद उस टाइप से प्रैक्टिस करनी है आपने। फिर आपने चारों तरफ छक्के मारने हैं बॉल को देके, आप देखना कितनी आसानी से आप चारों तरफ छक्के मार पाओगे, क्योंकि ये चीज़ एक बार आपके दिमाग में बिठाना ज़रूरी है, बॉल कहाँ पर पिच ले रही है। बाकी जो लेदर बॉल से बोलते हैं ये हाथ वाला, ये बहुत समय लगता है, इसमें सालों लग जाते हैं ये चीज़ देखने में, बहुत बारीकी होती है, पता ही नहीं चलता बॉलर कहाँ से रिलीज करा, इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा। कि छक्के मारने के अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक दे दूंगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में कुछ और लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।